हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 अगस्त से हमारा एग्जाम है, और अगर अभी तक भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली है ना, तो आइए टाइम है आप लोगों का आंखें खोलने का। आंखें खोल लो, वरना इसके बाद आप लोगों ने सोचा भी नहीं है कितने बुरे हालात आगे होने वाले हैं बेरोजगारी के। थोड़े से आंकड़े मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और वो भी इसलिए कि आप लोग अभी तक नहीं जागे हो तो आप लोग जाग जाओ। तो प्लीज जरा एक बार नजर डाल लो। और ये तो वो है जो सिर्फ मेरे पास, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे पास ये चीजें आई, अदरवाइज आप लोगों के पास मैं इतने सारे आंकड़े सेंड कर सकता हूं जो आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, और आप लोगों ने सोचा भी नहीं है। इस टाइम पे सिर्फ 20 दिन अगर आपने मेहनत की, एक या दो नंबर का ही खेल होता है, इससे ज्यादा ऊंचा खेल नहीं होता है। कभी एक नंबर से कोई अंदर रह जाता है, कोई एक नंबर से अंदर चला जाता है, बस इस चीज का ही आप लोगों को ख्याल रखना है। तो उन जो 4-5 नंबर या एक दो नंबर की लड़ाई है ना, सिर्फ उसी लड़ाई के लिए आप लोगों को लड़ना है। बाकी तो आप लोगों ने तैयारी कर ली है, और अगर इस टाइम पे भी आप टाइम बर्बाद कर रहे हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देख लो जरा एक बार, आंकड़ों पर नजर मारते हैं, बेरोजगारी के हालात देख लो पहले। 6000 पगार के बीटेक एमए पास तक हैं दावेदार। 6000 में बीटेक और एमए पास लोग नौकरी करने तैयार हैं। अभी अगर कोई प्राइवेट कंपनी, मतलब रोजगार मेले में आती है ना, ऐसे काउंटर लगा के बैठते हैं, वो नौकरों की तलाश करते हैं, नौकर की, और उसके बावजूद भी वो इतने ज्यादा, मतलब उनके इतने ज्यादा नखरे होते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपकी 60% नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कभी जाओ तो सही, गेट से सिक्योरिटी गार्ड भगा देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कि भैया जाओ, यहां नहीं है कोई वैकेंसी, रिक्त नहीं है। ये हालात इस वैकेंसी के बाद देखने के हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि दिल लगा के जितनी मेहनत की जा सकती है ना, अरे यार करना ही क्या है, आप लोगों का जाएगा क्या? अच्छा ये बताओ, कुछ जा रहा है आपके पास से? कुछ भी जाने वाला नहीं है। आप दिन रात एक कर दो, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की बात है। देखो जिनका 17 अगस्त को एग्जाम है उनके पास तो 12 दिन है, लेकिन अगर आपको भगवान ने 8 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं, रेलवे ने आपको 8 दिन एक्स्ट्रा दे दिए, तो उन दिनों को यूटिलाइज करो। ये बहुत ही बेस्ट वे है। अगर आपने उन 8 दिनों को भी, मैं कह रहा हूं जब 17 अगस्त को एग्जाम होगा ना, तो स्मार्ट बच्चे तो जब 17 अगस्त को एग्जाम होगा उसके अनुसार जो स्ट्रेटजी चेंज करेंगे उसके बेस पे भी सिलेक्शन ले लेंगे वो। मैं बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा 50-60 की कैटेगरी में है और वो 17 अगस्त का एग्जाम देख ले तो उसके बेस पे भी वो सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन उसे गाइड करने वाला या उसे खुद को इतनी अकल होनी चाहिए कि अब मुझे किन सेक्टर्स पे फॉलो, मतलब किन सब्जेक्ट पे, किन चैप्टर्स पे ज्यादा अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है। क्यों? जैसे चीजें आ रही होंगी उसी के अनुसार आपको बदलना होगा। दूसरा आंकड़ा देखो, 2000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर भर्ती किए जाएंगे, 18000 वेतन मिलेगा। तीसरा देखो, सरकारी स्कूलों में निजी क्षेत्र के लोग देंगे सेवा। चौथा देखो, मल्टीटास्क वर्कर एमए बीएड एमटेक उठाएंगे सीमेंट की बोरी। चौथा देख लो, नौकरी से हटाए युवाओं का अंतिम भाग्य क्या होगा, ये भी नहीं सोचा। चंडीगढ़ लेखपाल भर्ती परीक्षा में सोलवर गैंग के लोग, 21 लोग गिरफ्तार। सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर्स की जरूरत। मनोरंजन कर निरीक्षक संवर्ग मृत घोषित, अब नई भर्तियां नहीं होंगी। 5 साल में 2.1 करोड़ रोजगार घटे, 45 करोड़ ने तलाशी छोड़ दी। ये पूरी दुनिया के आंकड़े हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं, जब टेक्नोलॉजी इतने अच्छे से डेवलप कर रही है, आप सच सच बताओ, पहले आप में से 90% लोग कहाँ जाते थे? ऑफलाइन कोचिंग करने जाते थे। आज आप कहाँ पढ़ रहे हो? यूट्यूब पे बैठ के पढ़ रहे हो। अगर कोई यूट्यूब पे अच्छा टीचर है तो उस बंदे ने, आपको पता है कि कितने सारे लोगों की जॉब चली गई इसकी वजह से? अगर मुझसे आप पढ़ रहे हो तो जहाँ आप ऑफलाइन पढ़ते थे आज मुझसे पढ़ रहे हो। तो टेक्नोलॉजी जब डेवलप करेगी तो वो एक जगह डेवलप नहीं करेगी। अब आप ये सोचिए, अगर सरकार को दिख रहा है कि हम डिजिटली बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, और वहाँ पे 10,000 रुपये का एक असिस्टेंट रख दें जो बच्चों को चीज़ें समझा दे, बच्चों को समझाने वाला तो टीचर है जो उसको डिजिटल बोर्ड पे समझाएगा। अब वो डिजिटल बोर्ड से समझने के बाद देखेगा कि भैया बच्चों को क्या चीज समझ नहीं आई, तो वो 10,000 वाला बच्चा ही समझा देगा, जो 10,000 वाला बंदा होगा। तो वो क्यों 45,000 का टीचर रखेगा? अब अगर वो 45,000 का टीचर नहीं रखेगा तो जो 45,000 रुपए का टीचर नहीं रखा जा रहा है वो आपके साथ कंपटीशन में कूदेगा या नहीं कूदेगा? दूसरी बात यह है, जब एक बात बताओ, ड्राइवर लेस ट्रेन आ गई है, वो अपने आप चलेगी, तो उसमें ड्राइवर की क्या जरूरत है? जहां पर रोबोट काम कर रहे हैं वहां पर इंसान की जरूरत पड़ेगी? 10 रोबोट को एक ही बंदा चला सकता है। इतने स्मार्ट रोबोट हैं जो एक रोबोट 10 लोगों का, 100 लोगों का काम करता है। और वेल्डिंग आप इतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना अच्छे से रोबोट कर सकता है। आज आप देख लो,
इतनी कन्वेयर बेल्ट चल रही है होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में जाओ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, कन्वेयर बेल्ट चल रही है। जिसने जो ऑर्डर दिया अपने आप आएगी कन्वेयर बेल्ट आपके पास रख के चली जाएगी। किस किस का रोजगार छिन गया? रोजगार छिन गए ना। अभी आप देखना एक ही झटके में इतने सारे लोगों के रोजगार जा चुके हैं और अभी रोजगार जाएंगे। अभी तो देखते जाओ क्या होना है। एक ही दिन में ना, एक ही दिन में जब ड्रोन से डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी ना, डिलीवरी खाने होने की, तब देखना कि कितने लोगों के रोजगार फिर चले गए। अब अगर मान लो ड्राइवर लेस, जैसे कि आप लोगों को पता है कारों की बात चल रही है, अगर कार आ गए तो ओला उबर वाले सब निकल लेंगे। इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, बहुत हद तक बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि काम कर रही है टेक्नोलॉजी। और जब टेक्नोलॉजी काम करती है, अरे पहले जैसी भी नहीं थी, एक चीज को तोड़ने में कितना टाइम लग रहा था, आज ऐसे ऐसे तोड़ के चली जाती है ना। तो टेक्नोलॉजी, एक ही बंदा काम कर रहा है ना, 10 घरों को तोड़ के चला जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी काम करती है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए जब टेक्नोलॉजी आ रही है तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। और या फिर आपके पास टेक्निकली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप उस चीज को कर सको। मैं खुद बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आज अगर मैं अभी जॉब छोड़ दूं या मैं कुछ कर लूं और मैं प्राइवेट कंपनी के गेट पे जाऊं, गेट से धक्के मार के भगा देगा मुझे वो, धक्के मार के। मैंने चाहे कुछ किया है, कोई मतलब नहीं है। आप किसी से कहोगे भैया मैंने 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है लेकिन मेरी लगी ना, कोई नहीं पूछने वाला आपको कि आपने तैयारी की है या नहीं की है। आप जब तक सफल नहीं होते तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपके पास ये लास्ट चांस है तो सारी चीजों को भूल के लग जाओ, जिंदगी बन जाएगी आप लोगों की। नहीं तो फिर रोते रहना, देखते रहना क्या हो रहा है, जाके कभी देखना। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 12 घंटे ना किसी दिन 12 घंटे ईंटे ढोके देखना, और बाद में आपको मिलेंगे 400 रुपए। ये मजदूरी है, ये 400 रुपए की मजदूरी है। तेल निकल जाएगा पूरा, तेल जो अभी मजा आ रहा है ना पूरा, गर्लफ्रेंड से फोन लगे पड़े ऐसे कि हाँ बाबू क्या हो रहा है, हाँ सोना क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें निकल जाएंगी। जिस दिन रोजगार नहीं मिलेगा ना, उस दिन आप लोगों को पता चलेगा। और जिस दिन मैसेज आया करेगा ना सैलरी का कि हाँ भाई क्रेडिट हो गया 50,000 रुपए, क्रेडिट हो गया 40,000 रुपए, तो खुशी होगी एक। नहीं तो 300-400 रुपए के लिए भागे फिरोगे। और एक बात और बता दूं, 1,03,000 वैकेंसी है, 3,10,000 के आसपास प्री, मतलब जो पीईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे, 3,10,000। और मैं आप लोगों को बता दूं इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होंगे जिनसे दौड़ नहीं निकलेगी। तो आपके पास एक लकी चांस है। जो गांव के बच्चे हैं उनके पास तो इससे बेस्ट चांस ही नहीं है। शहर के पता नहीं कितने बच्चों से भागा नहीं जाता, उनसे भागा नहीं जाएगा। पढ़ने में भले ही तेज होंगे वो, उनसे भागा नहीं जाएगा। तो आप लोगों के लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो अगर आप अभी भी सो रहे हो तो भैया जाग जाओ और वो जो 2-4 नंबर की लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ लो, नहीं तो इन्हीं चीजों में शामिल हो गए, कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। देखा ना एक ही झटके के अंदर किस तरह से तीनों फोर्सेस का सीन हुआ। इसी तरीके से आगे भी चीजें हो सकती हैं। रेलवे में भी क्या समझ रहे हो आप, रेलवे में बहुत सारी चीजें जैसी चल रही हैं आप लोगों को पता है। अगर आपके पास सरकार ने गवर्नमेंट जॉब आपको दी है, ऑफर की है, तो आप इस टाइम पे ले नहीं रहे हो, बाद में हल्ला करोगे कि साहब जॉब नहीं दे रहे, जॉब नहीं दे रहे। अरे जब 1,03,000 वैकेंसीज निकाली तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब सरकार उस चीज को भर्ती कर रही है और पूरी प्रक्रिया ऐसी चल रही है। आप लोगों ने देखा दूसरी स्टेट्स में क्या हो रहा है, अगर एक पेपर देके आते हो फिर लीक होता है 5 साल से UP SSC JEE 2016 क्लियर नहीं है। 2016-22 हो गया, छठा साल हो गया, UP SSC JEE 2018 अभी तक क्लियर नहीं है। आप बताओ क्या आप ही के साथ कुछ हो रहा है। रेलवे कम से कम अपनी वैकेंसी को कंप्लीट करा रही है और बिल्कुल फेयर सारी चीजें होंगी, बिल्कुल किसी के कहने में मत आओ। आप लोग अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। और मैं दिन रात आप लोगों के साथ लगा हुआ हूं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है आप बिल्कुल जाके देखिए। एप्लीकेशन के अंदर भी मैं आप लोगों को बताऊं, देखो इस टाइम पे आप लोगों को स्मार्ट चीजें पढ़ने की जरूरत है, ये निश्चित है। अगर अभी भी आप 1-2 रुपए का लालच करोगे कि मैं प्रिंट नहीं निकलवाता, मैं तो स्पीडी की नई बुक लेके नहीं आऊंगा, मेरे पास तो पुरानी है मई वाली, उसे पढ़ूंगा, तो भाई आप लालच करते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 1 नंबर और 0.2 नंबर और 0.3 नंबर से जिस दिन सिलेक्शन रहेगा ना, उस दिन आपको वैल्यू समझ आएगी कि काश मैंने 100-150 रुपए खर्च कर लिए होते, कुछ नहीं होता। मैं इस चीज को बता रहा हूं। मेरे दादा भी ये बोलते थे, हमारे घर में भले ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे कई बार मना किया हो कि बुक्स मत, ये मत कर, वो मत कर, लेकिन मेरे दादा ने कभी मुझे मना नहीं किया। और मैं आज भी आप लोगों से कह रहा हूं, जिंदगी में कुछ कर लेना, पढ़ाई की चीजों में कभी लालच मत करना। ये शर्ट पिछले 2 दिन से देख रहे होगे, एक ही शर्ट में वीडियो बन रही है ना, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछ रहा है क्या मुझसे, कोई आके कह देगा अबे क्या उखाड़ लेगा, मैं एक ही शर्ट में वीडियो बनाऊंगा 50 दिन तक बनाऊंगा। बताओ शर्ट कम पहन लो, घड़ी 50 रुपए की पहन लो, कितने की होगी, 100-150 रुपए की घड़ी है, घड़ी 50 रुपए की पहन लो, इन चीजों को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप
पिज्जा तो खाओगे 500 रुपए का, किताब नहीं लोगे 200 रुपए की, तब बताओ क्या होगा? नहीं, आप खुद सोचो उस चीज से क्या होगा। आपने कभी सोचा है मैं लिख के दे सकता हूं? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा आप में से कोई भी जो इस टाइम पे वीडियो देख रहा है। अबे जब 600 रुपए का तुम नेट पैक करा सकते हो नेटफ्लिक्स के और पता नहीं किस किस चीज की वेब सीरीज देखने के लिए। अरे मैं आज तक बता रहा हूं, मैंने आज तक कोई वेब सीरीज कंप्लीट नहीं की है। सिर्फ एक वेब सीरीज देखी थी कोटा, वो कोटा फैक्ट्री, उसके अलावा कोई वेब सीरीज नहीं देखी है। और आप लोग क्या करते हो, आईपीएल देखने के लिए हॉटस्टार पे जाएंगे, ये देखने के लिए ये करेंगे वो। अरे दुनिया भर की चीजों में तो तुम 999 रुपए खर्च करते हो, पढ़ने के लिए तुम्हें किताबों में दिक्कत आ रही है? अगर नहीं ले सकते हो तो आप हकदार नहीं हो उस चीज के, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। और अगर अभी भी आंखें नहीं खुली है, आप लोग चाहते हो कम टाइम में चीजें कंप्लीट हो जाएं, मैं एप्लीकेशन पे भी यहां भी जितना आप करना चाहते हो ना, 251 रुपए के अंदर आप लोगों को एक बेस्ट गाइडेंस किस तरह से आप लोगों को अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। और जिन लोगों को 20 दिन मिले उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और 100% आप सिलेबस कवर कर लोगे 100%। लेकिन आप लोगों के अंदर एक लगन होनी चाहिए, आप लोगों के अंदर ईमानदारी से मेहनत करने की लगन नहीं है तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस चीज को सोच लो, अगर आपने ईमानदारी के साथ मेहनत कर ली 20 दिन और उन चीजों का जो एनालिसिस है उस चीज के, आप अगर आप एप्लीकेशन में भी देखेंगे, जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर मैंने ऐसी चीजें बताई हुई है कि आप 8 घंटे के अंदर बायोलॉजी को खत्म कर सकते हो। नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए, लेक्चर देखो 15 मिनट का, नोट्स पढ़ो, काम खत्म हो गया। उसके बाद नोट्स दे दिए हैं, प्रीवियस ईयर दे दिए हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, 15 मिनट की वीडियो देखनी है, लेक्चर देखने, तो उस चीज से क्या होगा, आप कम टाइम में अपने सिलेबस को निपटा सकते हो। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन बच्चों ने अभी तक जागे नहीं है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप कुछ करना है, आप मत आइए, आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। आपको इस टाइम पे, जो बच्चा इस टाइम पे 70-75 में पढ़ा है, भैया मैं उससे कह रहा हूं तुम्हारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 1-2 नंबर की है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जितनी ज्यादा रिवीजन करके प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, इसलिए मिस्टेक्स कम होंगी जो आप मिस्टेक्स करते हो और आप सिलेक्शन के करीब हो जाओगे। तो आपके लिए तो एक ही रामबाण है, जितनी चीजें कर ली उन्हें दिमाग में घुसाने की कोशिश करो, और जो ये अभी नीचे पड़े हुए हैं इनको हम बार बार उठा के लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो गारंटी तो सिलेक्शन की नहीं होती है, लेकिन इतना पता है कि अगर आप 50 की कैटेगरी में हो और अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत कर ली, अभी हार तो माने हुए हो ना, आपका तो सब कुछ जा ही चुका है ना, लेकिन अगर कोई आदमी आपको जगाने के लिए खड़ा है तो आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 8 से 12 दिन 15 दिन मेहनत करनी है और हो सकता है कि आप 30,000+ कमाओ। अभी देखो इतनी खबरें निगेटिव आ रही हैं, अभी खबर देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए खबर आई है, साहब डीए हो गया 34 से 38%, उसके नीचे ही खबर आ रही है ट्रैकमैन को मिलेगा 10,000 जोखिम भत्ता मिलेगा। तो आप इन चीजों को सोचिए कि अगर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, सारी चीजें मिल रही है, हम भी दिन रात जाग जाग के आपको पढ़ाते हैं, 4-4 घंटे सो रहा हूं सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे, एप्लीकेशन पे अलग से वीडियोस देनी है, यूट्यूब पे अलग से वीडियोस देनी है, लेकिन आप लोगों के लिए दिन रात खड़े हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, मेहनत कर लो, वरना जिंदगी में इसके अलावा देखो चांस तो बहुत आएंगे, वो चीजें छोड़ो, लेकिन ऐसा चांस नहीं आएगा कि 1,00,000 वैकेंसी थी, सिलेक्टेड मटेरियल है आपके पास, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, 2019 में फॉर्म फिल हो गए थे, उसके बाद से 3-4 सालों में जो क्रीम तैयार हुई है ना, अभी तो उससे लड़ने का मौका नहीं है, ये सोच लो। और उस टाइम पे वैकेंसीज की इतनी भरमार थी कि कुछ कैंडिडेट ने तो 2019 में फॉर्म ही नहीं भरे, और वो इसलिए कि भैया छोटी जॉब है। और आज वो लड़के रो रहे हैं कि भैया हमारा फॉर्म भरा जाता तो अच्छा हो जाता, क्योंकि कोविड ने सबको औकात दिखाई है, फॉर्म तो 2019 में भर गए थे ना, औकात 2020 में पता चली, औकात 2021 में पता चली, इसलिए आपके साथ सिलेक्टेड लोग हैं सिर्फ 2019 वाले। और मैं आप लोगों को बता दूं, उनमें से मैक्सिमम जो अच्छे लड़के थे वो जॉब भी ले चुके हैं, उनमें से मैक्सिमम लड़के जॉब ले चुके हैं इधर उधर, और जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक आप लोगों की चीजें कमी होंगी, ये लड़के इधर उधर ही जाएंगे। जिस लड़के को अच्छी जॉब मिल जाएगी इससे, देखो ग्रुप डी का लेवल आपको पता है लेवल 1 है, अगर किसी को यूपी पुलिस मिलेगी वो वहां चला जाएगा, किसी को दरोगा मिलेगी वो वहां चले जाएगा, किसी को एएलपी मिलेगी वो एएलपी में चला जाएगा, किसी की कोई वेटिंग क्लियर होगी वहां चला जाएगा, तो आपके पास चांसेस पूरे बने रहेंगे। लेकिन आप एक बार मेहनत करके वहां तक पहुंचो तो सही, कम से कम 3,00,000 में तो आओ, वैसे तो 1,00,000 में आना कंपलसरी है। और यार सच बात तो यह है, हम लोगों पर लाना था अगर पूरे इंडिया के 1,00,000 टैलेंटेड स्टूडेंट में नहीं आ सकते, और कौन सा यहां आपके साथ यूपीएससी वाला आके बैठ रहा है, सब आप ही के लेवल के बच्चे हैं। अगर आप ही के लेवल के बच्चों के साथ आप 1,00,000 में नहीं आ सकते तो लानत है हम लोगों पे, सच में हमारी पढ़ाई पे लानत है, हमारे 12th पे लानत है, हमारे बीटेक पे लानत है। किस बात का बीटेक किया भाई, किस बात का डिप्लोमा किया तुमने, क्या किया है, मतलब डिप्लोमा करके बैठे हो, बीटेक करके बैठे हो, और औकात नहीं फिर ग्रुप डी की, तो कम से कम इस चीज को सोचो। और बार बार ये बुरा मत मानना, ये आप लोगों के अंदर जज्बा और अपने लोगों के अंदर आग लगाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपके सीने में आग लगे और आप सिलेक्शन लेके दिखाओ।
अगर किसी को भी हेल्प की जरूरत है आप एक बार जाइए, 20 से 25 टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री किए हुए हैं। BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, BIP गुरुजी, यहां लिख देता हूं मैं, ये देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है अपनी, BIP गुरुजी ऑफिशियल, यहां पे आपको 25 तो टेस्ट फ्री मिलेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जो टेस्ट है उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखा है। क्या अनलिमिटेड अटेम्प्ट? आप एक बार टेस्ट लगा के देखिए, आपने अगर टेस्ट लगाया मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों को चीजें वहां से जाके देखने को मिलेंगी। हर टेस्ट में न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं और मैंने हर सब्जेक्ट के लिए कम टाइम में किस तरह से कौन सी चीज को कंप्लीट करना है एक एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। नोट्स मैंने डाल दिए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, सारी चीजें आप लोग स्टैटिक जीके के मैंने मार्किंग करके, ये देखिए अब आप इसे अगर पढ़ने बैठोगे तो कैसे पढ़ने बैठोगे? इस बुक को पढ़ने बैठोगे सारी की सारी बुक पढ़ोगे ना? सारा नहीं आता है, इसमें से कुछ चीजें ही आती हैं जो मैंने मार्क कर रखी हैं। अगर आप उस चीज को पढ़ के जाओगे, देखो हर चीज इसका पूरी मार्किंग मैंने बच्चे को बता रखी है कौन सी चीज है। आप एसके झांग सर की बुक उठाओगे पूरी की पूरी बुक पढ़ोगे, लेकिन उसमें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों को बेस्ट चीजें करनी है तो इस टाइम पे वो कंटेंट पढ़ना है जो एग्जाम में आए, पढ़े सिर्फ वही जो एग्जाम में आए, तभी आप लोग संरक्षण ले सकते हो। तो गाइज खेल सिर्फ एक और दो नंबर वालों का है, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि अगर आपका कहीं से भी, मैं अपनी एप्लीकेशन को छोड़ो मैं कह रहा हूं कहीं से भी अगर आपका एक नंबर दो नंबर बढ़ रहा है ना तो उस चीज को गेन करो। ये मत सोचो कि आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। 78 नंबर वाले 75 नंबर वाले बाहर देखें, 75 नंबर वाला बच्चा भी बाहर बैठा और 50 नंबर वाला भी सिलेक्शन ले रखा है। इस चीज को बिल्कुल अपने ऊपर प्राउड मत फील करो, आप लोग अपना बेस्ट दो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। आप लोगों को ये बच्चे कहते हैं भैया कितने नंबर पे कट ऑफ लगी, वो बेवकूफियत है, कोई कट ऑफ किसी को नहीं पता है। आप अपना बेस्ट दो, जितने मार्क्स ला सकते हो उतने मार्क्स लेके आओ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इतना तुम आप समझ ही गए होगे कि भैया बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है। एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ इतने उनके लोचे रहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं वो कि भैया आपकी तो हाई स्कूल में 60% नहीं है, आपको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अबे बेवकूफ, तुझे हमें क्या कराना है? वहां पे काम कराएगा तू, लाइन पे खड़ा करा के हमें वहां पे इंग्लिश का क्या काम है? सारे इंग्लिश नाटक कर रखा है, 8,000 रुपए में तुझे हम इंग्लिश भी बताएं? हमसे कैसे तो हम क्या कर रहे हैं? और यहां पे आपको ना इंग्लिश पूछ रहा है ना हिंदी पूछ रहा है, और 35,000 रुपए सैलरी ऑफर कर रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके पास आईडी कार्ड, ये ज्वाइनिंग लेटर लेकर आने हैं, ये ज्वाइनिंग लेटर देख लो, ये ज्वाइनिंग लेटर दिखाने हैं आपके उस सिलेक्शन के बाद आके कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है? ज्वाइनिंग लेटर लेके आना, ऐसे मत आ जाना। और मैं बता रहा हूं आप लोगों के अंदर आग लग गई होगी और इस आग को बुझने मत देना जब तक एग्जाम ना हो, और सिलेक्शन लेके ही आना। ज्वाइनिंग लेटर हाथ में चाहिए, तब मुझे खुशी होगी कि और तब आप कहोगे कि भैया हमने आपकी वीडियो देखी थी और उसके बाद हमने एप्लीकेशन से पढ़ना स्टार्ट किया, सिर्फ 251 रुपए में आपने इतनी सारी चीजें। आप अरे लोगों के 500-500 रुपए के तो नोट्स जाते हैं, मेरे नोट्स भी उसी में है, मेरी गाइडेंस भी उसी में है। 200 से ज्यादा टेस्ट अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, और टेस्ट सीरीज का लेवल देखो जाके आप। अगर आपने एक बार टेस्ट लगाया तो लौट के नहीं आओगे, जाओ टेस्ट लगाओ देखो, पता चलेगा आप लोगों को कि मार्क्स इंप्रूव होते हैं नहीं होते हैं। कम से कम फ्री वाले टेस्ट लगा लो, कोर्स के अंदर है सब कुछ, अलग कोई टेस्ट सीरीज में नहीं है। स्क्रॉल करोगे ऐसे साइड में तो आप लोगों को वहीं पे टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। जाओ टेस्ट सीरीज लगाओ, एप्लीकेशन को रेट भी करके आना फ्री में भी, कि अगर आप फ्री में भी टेस्ट लगा रहे हो और भी टेस्ट फ्री कर देंगे अगर आप चाहोगे तो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सिलेक्शन लेके दिखाओ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 251 रुपए कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड पे 1,000 रुपए खर्च कर सकते हो, अपने दोस्तों पे 50,000 रुपए खर्च कर सकते हो, 500 रुपए 1,000 रुपए की जींस पहन सकते हो, तो 251 रुपए अपनी पढ़ाई के लिए भी खर्च कर सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना, जींस कुछ नहीं दिलवाएगी, शर्ट कुछ नहीं दिलवाएगी, लेकिन आप लोगों को 251 रुपए सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो गाइज जाइए और आप लोग उन चीजों को पढ़िए जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया गया, और एक एक चीज के लिए मैं गाइड कर रहा हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ये भी बताया कि करंट की बुक में से ये चीज पढ़नी है, ये छोड़नी है। जो बंदा आपको इतनी चीजें बता रहा है तब भी अगर आप नहीं जाग रहे हो तो पता नहीं कब जागोगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।